ऐसे लोग कहते हैं कि बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन गांव स्तर पर देखें तो विकास अभी कोसों दूर है। बिजली जो एक बहुत मूलभूत सुविधा है जो गांव वालों को अभी तक नहीं मिल पाया है। बिजली नहीं रहने से क्या क्या समस्या होता है? बिजली नहीं रहने से हमारे टोला में समस्या यह होता है कि हम लोग का मोबाइल चार्ज नहीं हो सकता है किसी तरह से, उसके बाद पढ़ने लिखने में डिस्टर्ब होता है, उसके बाद हम लोग पंखा तंखा नहीं हम लोग का व्यवस्था हो सकता है। क्या कारण है जो बिजली नहीं है? कारण तो ये है कि हम लोग का हम जाते हैं बिजली ऑफिस तो वहाँ बोलता है कि ठीक है आप जाइए हम लोग करेंगे प्रक्रिया के साथ हो जाएगा, कारण नहीं बताता हम लोग। प्रक्रिया आपको क्या बताता है? प्रक्रिया बताता है कि आप सभी को जो है से राजीव गांधी विद्युतकरण से होगा, उसके बाद वो ठेकेदार टेंडर लेगा, उसके बाद आपको करेगा काम। इस वीडियो को बनाने के बाद लगातार 18 महीने संघर्ष करते रहे और सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाते रहे, उसके बाद यह बदला हुआ कि लखापुर गांव में बिजली आ गया। हम लोग इससे पहले बहुत ऑफिस में गए, बिजली ऑफिस नेता लीडर जितने भी हैं सबके पास गए और किसी से मतलब ये प्रभाव नहीं पड़ रहा है कि इस गांव में बिजली आ सके। लेकिन हमारे गांव का अशोक पासवान, जो कि हमको पता चला था कि कोई टेस में काम करता है, तो उसने हमारे गांव की समस्या बिजली को लेकर एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को इंटरनेट के माध्यम से अन्य प्रकार के पदाधिकारी को दिखाया और उससे प्रभावित हुआ। और प्लस में हम लोग ग्रामीण लोग जो हैं कुछ ऑफिस में जाके दबाव डाले और लोगों से मिले, फिर बाजार के द्वारा हम लोग को बिजली पहुंचाने का काम किया। हमारे इससे सब फायदा यह हुआ कि जो कि हमारे गांव में लड़का बच्चा जो कि पढ़ने के समय में जो कि बिजली नहीं रहता था पढ़ नहीं पाते थे, उसके लेकर के और मान लिया जाए पंखा टीवी सब तो नहीं चलता था, उसे लेकर के सब अपने अपने घर में पंखा टीवी लगा लिया, अब फैशन थोड़ा सा बदल गया। मैं अपने समुदाय के साथ मिलकर 2.5 वर्ष पुरानी बिजली की समस्या का समाधान करने में सफल हुआ। मैं अशोक पासवान, जिला जमुई बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।